हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्मूदी की रेसिपी। ये डेट्स के साथ में बहुत अच्छी स्मूदी बनती है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने डेट्स कहाँ यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले ये है रोल्ड ओट्स, और इसमें मैंने कीवी डाला है, चिया सीड्स डाली हैं इसमें, रेड वाले ग्रेप और बनाना। आप किसी भी फ्रूट के साथ में इसे बना सकते हो। ये बहुत ही लजीज होती है और ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। खाने में बहुत मज़ेदार, जितनी दिखने में मज़ेदार है उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो ये मैंने सारे फ्रूट्स लिए थे, मैंने डेट्स लिए हैं, रेड ग्रेप, कीवी और बनाना। अगर आपके पास इनमें से कोई भी फ्रूट ना हो तो आप किसी भी फ्रूट का बना सकते हो। ये लिया है कोकोनट मिल्क, और इसमें नॉर्मल मिल्क का यूज़ नहीं होना है, कोकोनट मिल्क का यूज़ होना है, तभी स्मूदी अच्छी बनेगी आपकी। तो ये लिया है मैंने जार, मिक्सर जार में मैं सबसे पहले डालूँगी कोकोनट मिल्क। तो ये कोकोनट मिल्क मैंने डाल दिया है जार के अंदर। अभी थोड़ा सा एक और डालूँगी, मैं तो ज़्यादा सी बना रही हूँ, तो मैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क के बाद में मैं इसमें डालूँगी ये खजूर, मतलब डेट्स। डेट्स के बाद मैं इसमें डालूँगी बनाना। बिना बनाने के स्मूदी तो बन ही नहीं सकती। ये रेड ग्रेप भी इसमें मैंने डाले हैं। इन तीनों चीज़ों का मैंने एक पेस्ट बना लिया, ये थिक सा पेस्ट देख रहे हैं आप, और इस थिक से पेस्ट को मैंने एक बोल के अंदर निकाला। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट बोल में निकाला, मैंने इन सारे चीज़ों को उसके ऊपर मैंने डेकोरेट किया है रोल ओट्स और कीवी, चिया सीड्स, रेड ग्रेप टॉपर, और मैंने बनाना के पीसेस भी डाले हैं। और ये हमारी स्मूदी रेडी हो गई है। इसमें कोई भी शुगर का यूज़ नहीं किया है। जितनी भी इसमें मिठास आएगी वो आपके खजूर के साथ ही आएगी। ये आपको ज़्यादा मीठा करना है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हनी नहीं डाला है कि ऑलरेडी ये इतना स्वीट हो जाता है कि आपको इसमें शुगर या फिर हनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी मैं आप लोगों के साथ में बहुत कम वीडियो शेयर कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माय तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं चल रही है काफ़ी दिन से। एंड जैसे ही अच्छा फील करूँगी डेली आपको ब्लॉग्स और खूब सारी वीडियो शेयर करूँगी। और तब तक के लिए मुझे दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।